Assalamu alaikum to my all students. I hope you all are fine. Today we are starting the lesson 3 and the topic is can I play. सबसे पहले जो हम क्लास रेड मैच करेंगे इसकी रीडिंग करेंगे कैन आई प्ले की. सो लेट्स स्टार्ट. ओके दिस इज अ टॉपिक कैन आई प्ले. ओके सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज फिजा. शी लाइक्स प्लेइंग विद अली. अली इज फिजाज ब्रदर. ही लाइक्स हिज गेम बॉय. दिस इज सारा. शी इज Fiza's sister. She is Ali's sister too. She likes her books. This is Fiza's mother. She likes her flower. This is Fiza's father. He likes his van. This is Biff. Biff is Fiza's teddy bear. Fiza hits the ball. Crash! Biff and Fiza are running away. After reading, I will explain you the story. Okay? This is Fiza. ये Fiza है. She likes to playing with Ali. वो Ali के साथ क्या करना चाहती है? खेलना चाहती है. अली इज फिजाज ब्रदर. अली जो है फिजा का कौन है? भाई है. ठीक है. ही लाइक्स हिज गेम बॉय. उसे अपना जो है गेम बॉय पसंद है. वो फिजा के साथ खेलना पसंद नहीं करता. ठीक है. दिस इज सारा. शी इज फिजा सिस्टर. ये जो है सारा है और ये फिजा की कौन है? सिस्टर है. और ये अली की भी सिस्टर है. ठीक है. शी लाइक्स हर बुक. जो इसकी सिस्टर है सारा उसे क्या पसंद है? उसकी बुक्स पसंद है. ठीक है. ये है फिजा की मदर. She likes her flowers. इन्हें जो है अपने flowers बहुत ज़्यादा पसंद है. He is Fiza's father. ये फिजा के पापा हैं. ठीक है. और उन्हें क्या पसंद है? अपनी van पसंद है. ठीक है. This is Biff. ये Biff है. Biff is Fiza's teddy bear. और ये Biff कौन है? फिजा का जो teddy bear है जिससे वो खेलती है वो है. ठीक है. Fiza hits the ball. जब वो playing करते हैं उन्हें क्या किया? उसने ball को hit किया है. और वो ball कहाँ पर जाके गिरी? कहाँ पर गई है? ये देखिए आपको नजर आ रहा है विंडो. वहाँ पर जाके क्रैक हुई है. ठीक है. Biff एंड फिजा आर रनिंग अवे. देन Biff और फिजा क्या हुआ इसके बाद? रनिंग कर लेते थे. यहाँ पर उन्होंने खेला है और वो क्रैक हुई, क्रैश हुआ उनकी विंडो और वो क्या हुआ? दोनों रनिंग करने लगे. ठीक है. रीडिंग और एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको जो है समराइज करवाऊंगी स्टोरी. अब आपको जो स्टोरी है ना इसकी आपको समराइज करनी इन योर नोटबुक. अब मैं आपको इसकी समरी बताती हूँ फिर आपको ये नोटबुक में लिखनी है. ओके ये देखें आपको जो है स्टोरी को जो समराइज़ करना है और मैं आपको स्टोरी जो है बता देती हूँ इसमें क्या था और ये आप समराइज़ करेंगे अपनी नोटबुक में. ठीक है. समराइज द स्टोरी. द चिल्ड्रन इन द पिक्चर्स विल बी देयर फ्रेंड्स. जो लोग जो पिक्चर्स के ना फ्रेंड मतलब बने हुए ना चिल्ड्रन वो क्या एक दूसरे के फ्रेंड्स भी हैं. ठीक है. ऑल ईयर सेम ईयर के. ठीक है. सारा अली एंड फिजा आर पाकिस्तानी एंड लिव इन पाकिस्तान. वो लोग पाकिस्तानी और कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं. Sara is 8 years old. Next is Ali. He is 6 years old. The youngest is Fiza. She is 5 years old. Biff is Fiza's teddy. Biff kaun hai? Fiza ka jo hai teddy hai. Biff is her best friend. But everyone lays thinks Biff is a toy. सब लोग क्या सोचते हैं कि Biff जो है सिर्फ एक टॉय है. वो फिजा का फ्रेंड कैसे हो सकता है? ठीक है. क्योंकि फ्रेंड्स जो हम अपने फ्रेंड्स से जो बातें करते हैं जो हमारे साथ खेलते हैं उनके साथ ही हम करते हैं ना. ठीक है. देयर इंग्लिश फ्रेंड टॉम लिव्स नेक्स्ट डोर एंड दे विल मीट हिम लेटर. जो इनका फ्रेंड एक टॉम है वो इनके नेक्स्ट डोर पर ही रहता है और वो लोगों से मिलने के लिए जल्दी ही आने वाले. ये समरी है. ठीक है. आपको इनको जो है नोटबुक पे नोट डाउन करना होगा. ठीक है. और आपको वो बुक में जो चैप्टर दिया हुआ उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताई और उसकी समरी है. ठीक है. अब हम आ जाते हैं कन्वर्सेशन अबाउट एक्सरसाइज ए ऑन पेज नंबर 4. अब पेज नंबर 4 पे जो है कन्वर्सेशन भी हम वो पढ़ते हैं. ठीक है. याद रखिए कन्वर्सेशन आपके पास आ रही है. दैट्स कॉल्ड द कन्वर्सेशन. व्हाट द फिजा इज आस्किंग. कैन आई प्ले विद यू अली. शी इज आस्किंग क्या मैं आपके साथ खेल सकती हूँ.
व्हाट डू यू रिप्लाई? सॉरी फिजा, आई एम प्लेइंग विद माय गेम बॉय. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ गेम बॉय के साथ, मैं आपके साथ नहीं खेल सकता. देन वो कहाँ आती है, अपनी सिस्टर के पास. कैन आई प्ले विद यू सारा, क्या मैं आपके साथ खेल सकती हूँ? सॉरी फिजा, आई एम रीडिंग माई बुक्स. सारा ने क्या कहा, मैं क्या कर रही हूँ, अपनी बुक्स को रीडिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकती. यहाँ पर वो अपनी मम्मा के पास है, उन्होंने क्या पूछा, कैन आई प्ले विद यू मम्मी? सॉरी फिजा, आई एम पिकिंग माई फ्लावर्स. उसकी मम्मा ने भी उनको रिस्पॉन्स क्या किया कि मैं जो अपने फ्लावर्स को क्या कर रही हूँ, पिक कर रही हूँ, मैं आपके साथ नहीं खेल सकती. देन वो अपने डैडी के पास आई, कैन आई प्ले विद यू डैडी? सॉरी फिजा, आई एम मेंडिंग माई वैन. मैं अपनी वैन को क्या कर रहा हूँ, मेंडिंग कर रहा हूँ, मतलब बना रहा हूँ, तो मैं आपके साथ खेल नहीं सकता. फिर वो कहाँ आई, बिफ के पास. आई कैन प्ले विथ यू, बिफ ने क्या कहा, आई कैन प्ले विथ यू. थैंक यू बिफ, व्हाट डू यू रिप्लाई? ओ डियर, अब देखिए जब वो खेल रही थी तो क्या हुआ, बॉल क्या गई, कैश हो गई. और फिर ओ डियर फिजा, उसकी मम्मा ने बोला, सो दे विल रन एंड ही इज फिजाज फादर, दे विल रनिंग. सो ये जो है कन्वर्जेशन हुई है, ठीक है. आफ्टर कन्वर्जेशन, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका होमवर्क क्या है, ठीक है. रीड एंड प्रैक्टिस कन्वर्जेशन विद योर पेरेंट्स ऑफ पेज नंबर 4 and 5. आपको ये चैप्टर की रीडिंग करनी है और ये कन्वर्जेशन अपने पेरेंट्स के साथ करना है, ठीक है. जिस तरह से अब आपको ये इंस्ट्रक्शन बता रही हूँ कि आप किस तरह से करेंगे. वॉट इज शी डूइंग, आप कुछ भी, जैसे आपके पास पेज नंबर 4 और 5, ये देखिए आपके पास पेज नंबर 4 और 5 पर जो मैंने आपको कन्वर्जेशन बताई है, आप इसी तरह से अपने पेरेंट्स के साथ जो है कन्वर्जेशन कर सकते हैं, ठीक है. कि आप कह सकते हैं वॉट इज शी डूइंग इस तरह से, ठीक है. वॉट शी वेयरिंग, उन्होंने क्या वेयर किया है, आप इस तरह से कन्वर्जेशन आप कर सकते हैं, ठीक है. वॉट डू यू लाइक टू डू, आपको क्या पसंद है करना. देखें यहाँ पर अपने सामने अपना अपना बताया कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, कोई फिजा के साथ खेलने के लिए नहीं है. तो आप इस तरह से कन्वर्जेशन अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर करेंगे, ठीक है. हाउ मेनी चेयर्स कैन यू सी इन द पिक्चर. अब आपके पास देखिए पिक्चर 1 है, आपको ये बताना है कि इस पिक्चर 1 में जो है कितनी चेयर्स हैं, ठीक है, वो आप बताएंगे. लेकिन ये पिक्चर के अंदर जो है ना, ये आप कन्वर्जेशन करके ही बताएंगे. आप अपने पेरेंट्स के साथ जो है कन्वर्जेशन करेंगे और उसके थ्रू जो है आपको ये बताना है, राइट. हाउ मेनी बुक्स कैन यू सी इन द पिक्चर 2. अब देखें पिक्चर 2 के अंदर जो आपके पास जितनी बुक्स हैं आपको वो बतानी है. हाउ मेनी बनानास मैंगोज एंड फ्लावर्स कैन यू सी इन द पिक्चर 3. अब पिक्चर 3 में जो है कितने बनाना है, कितने मैंगोज हैं, कितने फ्लावर्स हैं, वो आपको बताना है, ठीक है. हाउ मेनी पैरट्स विंडोज कैन यू सी इन द पिक्चर 4. अब देखें यहाँ पे विंडोज और पैरट्स हैं वो कितने हैं, वो बताने काउंट करके. हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव, या आप अपने उनसे ही पूछेंगे आपके पास कितने भाई बहन हैं, ठीक है. हु ब्रेक द विंडो, विंडो किसने ब्रोक की थी, ब्रेक की थी ना यहाँ पर विंडो. हु ब्रेक द विंडो, ये आपको क्या करना है, अपने ही पेरेंट्स के साथ मिलकर ये कन्वर्जेशन करना है ताकि आपकी कन्वर्जेशन अच्छी हो जाए. और आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.